नमस्ते सस्प्रियकाल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज 25 बैशाख रवींद्र जयंती दिन बनिए ठाकुरबाड़ी स्पेशल मुड़ी झोल या ठाकुरबाड़ी स्पेशल मिर्चा झोल। सब्जी के साथ मिर्चा के साथ ये झोल कैसे और कितनी यूनिक तरीके से ठाकुरबाड़ी स्पेशल बनती है चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हलो 25 रवींद्र जयंती, हमारे रवि ठाकुर, हमारे सवार ठाकुर रवि ठाकुर जन्मदिन। ये रवि ठाकुर जन्मदिन आज के अपन सामने एक सामान्य उपस्थापना रेखे हमार गावा गान और गावा कविता दिए অবশ্যই কবিতাটা আমার মেয়ে স্কুলের, তবু যার মধ্যে রবি ঠাকুর তাদের মধ্যেই আমরা বাঙালিরা। তো যখন আজ 25 দিনে রবি ঠাকুরের গান রবি ঠাকুরের কবিতা দিয়ে আমরা দিন শুরু করলাম, তো কেননা ঠাকুরবাড়ির রান্নাও তাতে থাকে, চলে আসছি আমি ঠাকুরবাড়ির খুবই ইজি এবং খুবই নর্মাল একটা রান্না নিয়ে। তো আজকে যে রান্নাটা সেটাকে আমরা বলবো মরিচ ঝোল, या हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं मिर्चा झोल। हम जब इस सिचुएशन से मंडरा रहा है, शारीरिक में कोविड है, तो इस टाइम में हमें सब्जी जरूर खाना चाहिए, मतलब हमारे सब्जी अवश्य खावा उचित, क्योंकि सब्जी मध्य थके प्रोटीन विटामिन पुष्टिगुण, और से ठाकुर स्टाइल रान्नार कायदा है तेल तो कथा नहीं। तो चलिए आज बना लेते हैं सब्जी मरीच झोल या ठाकुरबाड़ी मुड़ी झोल। तो ठाकुरबाड़ी ये जो मुड़ी झोल बनती थी, इसको बनने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं इंग्रेडिएंट्स लगेगा। आपको सुनने में शायद हंसी भी आती है, इसमें ना लगेगा प्याज, ना लगेगा अदरक लहसुन और कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक से कोई मसाला भी इसके अंदर यूज नहीं होगा। तो आपने सोचा होगा कि बंगाली लोग कैसा खाना खाता होगा, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आज का स्पेशलिस्ट ठाकुरबाड़ी स्पेशल, क्योंकि आज है हमारा रवि ठाकुर की जन्मदिन रविंद्र जयंती। तो इस खुशी के हम बंगाली लोग बनाते हैं ठाकुरबाड़ी स्पेशल मुड़ी झोल। तो मुड़ी झोल बनाने के लिए हमें बहुत सारा का सब्जी नहीं लगेगा, जितना आपको घर में है आप ले लीजिए। इधर मैंने ले लिया है आलू एक बड़ा साइज का, इधर मैंने ले लिया है पड़ियाल या आइवी ग्राउट, इधर मैंने ले लिया है कद्दू या पम्पकिन, मतलब जिसको बंगाली में कुंडो बोलते हैं, इधर मैंने ले लिया है ब्रिंजल या बैगन, मतलब जिसको बंगाली में बेगुन बोले, इधर मैंने ले लिया है जैकफ्रूट या कटहल, मैंने जिसको बंगाली में बोलते हैं ईचो, और इधर तो मैंने दिखाई दिया मैंने ले लिया है आलू, जिसको बंगाली में बोलते हैं मैंने बोलते हैं पोटैटो। तो ये सब्जी के बिना भी हमें लगेगा इसके अंदर, जैसे मरीच है तो ऑब्वियसली हमें लगेगा मरीच, थोड़ा मरीच जाएगा होल कुकिंग के अंदर और थोड़ा पीसेगा। इसके बिना भी हमें लगेगा कलौंजी या कालो जीरे। हाँ, इस रेसिपी का स्पेशलिटी यही है कि इस रेसिपी में लगता है कलौंजी या नाइजेला सीड्स की पेस्ट, मतलब कालो जीरे बटर। इसके बिना भी हमें लगेगा ऑब्वियसली दूध, क्योंकि ये वाला जो झोल बनेगा वो मिल्क के अंदर ही बॉयल होगा, मिल्क से इसका स्वाद आएगा। तो देर किस बात की, चलिए रेसिपी को शुरू कर देते हैं। रेसिपी को शुरू करने के लिए हमने गैस को ऑन कर दिया, इसके अंदर हमने डाला ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना होगा क्योंकि एक हेल्थ स्पेशल खाना है। अब हम इसके अंदर ऑब्वियसली डालेंगे घी और मक्खन, मेरे पास घी नहीं है तो इसलिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं मक्खन। इधर मैंने ले लिया है बटर, इससे हम एग्स को बटर डाल रहे हैं। ये जो स्टू बनती थी ना वेजिटेबल स्टू, वैसे तरीके से बनेगा पर वैसा नहीं बनेगा इस खाना से, मतलब इस वाला रेसिपी से आप रोटी चावल कुछ भी खा सकते हो। तो देखिए इधर मैंने मक्खन को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। नाउ दिस टाइम आई विल गोइंग टू ऐड 4 to 5 ग्रीन चिली, जिसका फ्लेवर इसके अंदर चाहिए, और उसके साथ ही हम डालेंगे होल नाइजेला सीड्स, मतलब कलंजी।
कलंजी मैंने डाल दिया। इसके साथ ही हम कलंजी और ये जो चिलीज़ है इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और तब तक हम सब्जी को धो लेंगे। देखिए जो तेल गर्म होना था हो गया, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं सब्जी, बैंगन, आलू, कटहल, परिवार, चलाएंगे। इसके अंदर हल्दी, धनिया, जीरा कुछ भी नहीं यूज़ होगा, मतलब कोई मसाला नहीं यूज़ होगा। इसको हम चलाएंगे। चलाने के बाद इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और स्वाद अनुसार नमक तो डालेंगे। नमक डालने के बाद इसको हम बढ़िया तरीके से कुकिंग करेंगे। तो चलिए जब तक ये कुकिंग होता है तब तक हमें पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए इधर हमने ले लिया है होल कलंजी। देखिए कलंजी मैंने सोफ करके रखा है और उसके साथ हम लेंगे 6-7 ग्रीन चिली। तो चलिए इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए हम इस सब्जी को लगातार चलाएंगे और इसको हल्का सा फ्राई भी करेंगे। अच्छे से फ्राई जब हो जाए तब हम इसके अंदर इस वाला पानी को डालेंगे। इसके अंदर 1 कप दूध और 2 कप वाटर मैंने डाला है। तो ये वाला दूध का पेस्ट हम डालेंगे, ये मतलब दूध का जो घोल है वो डालेंगे। और इधर देखिए मैंने कलंजी और ग्रीन चिली को कितनी अच्छे से पेस्ट बना लिया है। इसके अंदर भी दूध डाल के ही हम यूज़ करेंगे पर एक फिनिशिंग टच में। पहले हमें इस ठाकुरबाड़ी स्पेशल सब्जी आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, बंगाली वाला सब्जी। और इसको बस ऐसे ही चलाते जाए। चलाने के बाद इसको थोड़ा सा 5 मिनट तक फ्राई होना दें। उसके बाद हम इसके अंदर पानी दूध डालेंगे और इसको बॉईल होने देंगे। देखिए हमारा सब्जी फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ये जो 1 कप दूध और 2 कप पानी का जो मिश्रण बनाए थे वो डाल देंगे। देखिए इसके हमने डाल दिया। और डालने के बाद हम इसको बस ऐसे ही चलाएंगे और इसको हमने बॉईल होने देंगे। जब तक ना ये बॉईल ना हो और अच्छे से कुक ना हो जाए तब तक हम इसका ढक्कन नहीं हटाएंगे और इसके अंदर कुछ ऐड भी नहीं करेंगे। तो बस इसको मैंने डाल दिया और ये लगा दिया हमने ढक्कन। तो इसको कुक होने दीजिए। एकदम कुक होने के बाद हम इसके अंदर कलंजी मतलब नाइजेला सीड्स और काली मिर्च का जो पेस्ट बनाया है, ग्रीन चिली का जो पेस्ट बनाया है वो डालेंगे। तो देखिए इधर हमारा जो सब्जी है वो पूरा वाइट तरीके से पक चुकी है। कद्दू पक गया है, कीचड़ को थोड़ा सा पकना और बाकी है, बैंगन, पड़ियाल सब पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर यूज़ करने जा रही हूँ और थोड़ा सा वाटर। जैसे इसके अंदर मैंने बोला ही था कि एक झोल वाला रेसिपी है तो इसके अंदर वाटर रहेगा। पर नाउ आई विल गोइंग टू ऐड दिस नाइजेला सीड्स मतलब कालो जीरे और लौंग का बटाटा मतलब कलंजी और मिर्ची का पेस्ट। हल्का सा पानी इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा ऐड करेंगे। जैसे हमने बहुत सारा पानी भी ऐड किया है, ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे और इसको ऐसे ही हम कुक होने देंगे।
कुक होने दे, उसके बाद इसका टेक्सचर और इसका कैसा फ्लेम हुआ है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए इधर हमारा जो झोल है वो बनके तैयार है। आप फिनिशिंग टच में हम इसके अंदर एक बड़ा चम्मच माखन डालेंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो, ठाकुर बाड़ी डालना का यही स्पेशलिटी है। तो हमने डाल दिया है माखन। अब माखन डालने के बाद इसको आप हम वहीं पर फाइनल टच देंगे, जैसे माखन पूरा मिल जाए। देखिए सारे सब्जियां पक चुकी है, इसको हम बस ऐसे बंद कर देंगे और 10 मिनट तक इसको हम रेस्ट कराएंगे। उसके बाद आप लोगों को सर्विंग दिखाते हैं। तो देखिए इधर हमने फाइनली बना लिया हमारा रविंद्रनाथ ठाकुर की घर की स्पेशल, यहाँ ठाकुरबाड़ी स्पेशल मोड़ी छोल। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। अभी मैंने इसको टेस्ट करके दिखा, इसका स्वाद है जैसे बोलते हैं लाजवाब। गरम राइस के साथ या रोटी के साथ, सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में, दोनों टाइम पे आप इसको खा सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी इस रेसिपी को बनाएं, इस रेसिपी को बना के इसका मज़ा लें। मैं आज आती हूँ, लौट के आऊँगी दूसरा कोई दिन ऐसा एक रेसिपी के साथ। शुभ रविंद्र जयंती, बाय।